हम स्क्वायर पढ़ रहे थे ना, ठीक है, स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल। आज गर्मी ज़्यादा नहीं हो रही, थोड़ी सांस मतलब ब्रेक के बाद लो, जल्दी जल्दी सांसें मत लो, बहुत सफोकेशन हो रही है इधर, तुरंत तुरंत सांसें नहीं लेनी आपको, रुक के लेनी है। ये देखो एक बहुत आसान सा सवाल है, पहले भी किया होगा लेकिन अच्छा सवाल है, पेपर में आ सकता है इसलिए दोबारा बोल रहे हैं। तुम्हें शर्म नहीं है, लाइट का तुम्हें पता नहीं, जलानी नहीं है? और तुम्हारी लाइट क्यों जल रही है भाई? अभी जली है कि आपकी जली मैम? किसी के भी देखिए, फोन की लाइट नहीं जलनी चाहिए। अगर आपको भरोसा नहीं है अपनी लाइट पे तो आप उसके पीछे काली टेप लगा लीजिए, और काली टेप नहीं है तो हम उम्र की थोड़ी खाल दे देंगे, लेकिन आपको लगानी है फोन के पीछे, लाइट नहीं जलनी चाहिए, दिखता नहीं है बच्चों को बाहर जो पढ़ रहे हैं। सवाल ये है कि एबीसीडी एक स्क्वायर है, केओ एल दो पॉइंट है, एबी पे सच दैट एओ बराबर ए के, बीओ बराबर बी एल एंड एलओ के बराबर अल्फा, फाइंड द टेन अल्फा इफ ओ इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल। देखें एबीसीडी एक स्क्वायर है, एबीसीडी एक स्क्वायर है, के एंड एल आर टू पॉइंट ऑन ए बी, के और एल दो पॉइंट है, ओ ए ओ बराबर ए के, तो आप देख रहे हैं कि ए ओ बराबर ए के है, तो अगर मैं यहां पे लूं इसको तो आप देख रहे हैं कि ए ओ हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस है तो लगभग के यहाँ जाएगा, ऐसा नहीं कि के एल लाइन में है तो इसी हिसाब से आएंगे। अगर ये यहाँ चला गया तो आपको पता है कि ये दोनों बराबर दे रखे हैं, इसके बाद ये एंगल कितना है 45 डिग्री, तो ये कितना होगा 67.5, दोनों 67.5 होंगे, ये वाला भी एंगल बराबर होंगे ना, होंगे या नहीं? तो मैं यही कह रहा हूँ ये कितना होगा, ऐसे सिमिलरली अगर मैं बात करूँ तो ये भी 67.5 होगा, ये एल है, तो ये कितना आ जाएगा बीच वाला जो अल्फा है, ये 180 माइनस 135 बराबर 45 आ जाएगा। अगर ये 45 है तो 10 अल्फा कितना होगा, 10 45 बराबर 1, 1 और सवाल लिख लीजिए अगला, ये आसान सवाल था, कुछ भी इसमें पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है, लिख लिया? नहीं देखो लिखते रहो, आपसे पूछूंगा नहीं, आप सोचो मेरा इंतजार करोगे कि मैं बोलूंगा लिखो तो फिर आप लिखोगे, नहीं तो मेरी तरफ देखते रहोगे। कल भी कहा था ये उम्र आपकी मुझे देखने की नहीं है, कुछ और अच्छी चीजें देखो, मैंने लिखा इसका मतलब उसी क्षण आपकी कॉपी में लिख जाना चाहिए। तुम बताओ भाई गंजू, अरे कुछ नहीं किया है मैंने भाई साहब, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये भुजा और ये भुजा बराबर है तो इनके सामने के कोण नहीं बराबर होंगे, और ये 45 डिग्री में टूटता है, इसको 45 में तोड़ता है क्योंकि एंगल बाइसेक्टर होता है, तो इतनी छोटी सी बातें तो समझनी पड़ेंगी। और हमेशा एक ऐसे बच्चे के पास बैठो जिसको थोड़ा बहुत कुछ आता जाए, कि अगर आपका हल्का फुल्का डाउट है तो मेरे से ना पूछ के उस बच्चे से पूछ लो कि भाई इसमें क्या किया है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्या बुराई है, आप पूछ लो किसी से भी। और इस बैच में तो लगभग 70 तो अच्छे बच्चे हैं, तो 70 के आजू बाजू भी लोग बैठेंगे तो 140 बंदे कवर हो जाएंगे, बहुत बंदे कवर हो जाएंगे। साइड से रेडियस पूछ रहा है स्क्वायर की, 15/4। देखिए सवाल को करने के दो तरीके हैं, आप दोनों ही जान लेंगे। एक तो जब कभी हमें किसी सर्किल की रेडियस पूछता है तो हम ये कर सकते हैं कि हम अगर उसका सेंटर निर्धारित कर लेते हैं तो रेडियस आ जाती है, ठीक है, ये मैंने ओ मान लिया। अब आपको पता है कि ये परपेंडिकुलर डालेंगे अगर तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा, 3 होगा, होगा ही नहीं। अच्छा ये पूरी दूरी कितनी है, 6, और ये आर होगी रेडियस, तो ये 6 माइनस आर हो जाएगा और ये आर है, तो इसमें पाइथागोरस लगा सकते हैं? नहीं, कैसे? आर स्क्वायर माइनस 6 माइनस आर का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर, तो जोड़ेंगे एक बार कितना आ जाएगा 6, घटाएंगे तो 2r माइनस 6 बराबर 3 दिया 9, तो 2r माइनस 6 कितना हो गया 3/2, और r कितना आ गया 15/2,
ये एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हो गया? दूसरा तरीका हाँ कि हम इस ट्राइंगल को या तो सरकम, या तो हम इस सर्किल को किसी का सरकम सर्किल बना लें किसी ट्राइंगल का, या हम इसको इन सर्किल बना लें। देखिए इन सर्किल बनने के लिए जरूरी है कि तीन भुजाओं को छुए, सरकम सर्किल बनने के लिए जरूरी है कि तीन वर्टेक्स से पास हो, तो ये दो वर्टेक्स से तो पास हो ही रहा है। अगर तीसरी एक और वर्टेक्स इस पे देख लेंगे आ सकते ट्राइंगल की तो उत्तर आ जाएगा। तो कैसे करेंगे एक बार ये देख लो, फिर इसी में करेक्शन करके करेंगे। ठीक है, ये दूसरा तरीका क्या है इसको करने का? जैसे अगर हम इसको इससे मिला दें तो आप बताओ कि ये इस ट्राइंगल की मान लेते हैं पी नाम दे दिया, ये इस ट्राइंगल का सरकम सर्किल हो जाएगा या नहीं? और सरकम रेडियस का फॉर्मूला होता है आर बराबर त्रिभुज की तीनों भुजाएं ए बी सी अपॉन 4 × डेल्टा। ठीक है, तो ये कितना होगा? 6 होगा, और इसके बाद ये 6 और ये 3, ये 3 होगा। तो हम ये निकाल सकते हैं 3√5। ये देखिए डायरेक्ट ही पता होना चाहिए आपको कि अगर ये 2 और 1 का अनुपात होता है तो √5, बहुत जगह जरूरत पड़ेगी इसके। ये एसी नहीं चल रहा क्या? आज बहुत गर्मी हो रही है, आप थोड़ी जल्दी जल्दी सांस मत लो, इससे सफोकेशन होती है। कंट्रोल योर ब्रीथिंग। 3√5 और ये 6 हो गया, बस खत्म। अब इस ट्राइंगल का एरिया भी निकाल सकते हैं, हमें पता है कि इसका बेस कितना है, ये 6 और 6 ये हो जाएगा। तो ए बी सी कितना है? 3√5 इंटू सी कितना है? 6/4। डेल कितना है? 1/2, 6 × 6 काट देंगे, 6 से 6 काट देंगे, 3 × 6 से 3 × 6 कट जाएगा, तो ये कितना आ गया? 15/4, वही उत्तर आ गया जो आ रहा था। तो कभी कोई सर्किल अगर ऐसा हो तो आप ये देख लिया करिए कि ये सरकम सर्किल तो नहीं बन रहा, या ये इन सर्किल तो नहीं बन रहा, देख सकते हैं कुछ भी। ठीक है, एक सवाल ऐसा ही और कर लेंगे सरकम सर्किल इन सर्किल पे। इस सवाल का उत्तर क्या रहा है जल्दी से बताइए। ये सर्किल टच कर रहा है इसको, कितना आ रहा है? कोई बात नहीं। अब जैसे ये सवाल है तो इस सवाल में मैं देख पा रहा हूँ कि इन तीन भुजाओं को टच कर रहा है, तो मैंने देखा क्या क्या इन तीन भुजाओं से एक ट्राइंगल बनाया जा सकता है, तो पता चला बनाया जा सकता है, यानी कि एक राइट एंगल ट्राइंगल का इन सर्किल हो गया अगर आपको पता हो तो। वैसे तो हमें इन रेडियस का फॉर्मूला पता ही है, डेल अपॉन एस होता है, लेकिन अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें तो ए प्लस बी माइनस सी होता है, ये होता है। तो ऐसे कर लीजिए। ठीक है, तो आप खुद ही बताइए आपकी कितनी कितनी भुजा दे रखी हैं? 8 दे रखी है कहीं? अच्छा ठीक है, मुझे देखी नहीं हुई, शाबाश, नज़र बहुत पैनी है आपकी, ये 8 होगी। ठीक है, अच्छा ये मिड पॉइंट है एम, जो बताया नहीं है, एम मिड पॉइंट है। अच्छा अगर एम मिड पॉइंट है और आप देख रहे हैं कि मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन खींचे तो ये क्या होगा? 4। लेकिन आप सोच रहे हो कि मिड पॉइंट तो इस चीज़ का है, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वैसे भी ये दोनों ट्राइंगल क्या हैं आपस में? कॉन्ग्रुएंट हैं, तो सब कुछ बराबर है। जब सब कुछ बराबर है तो ये 8 है, ये भी 8, ये भी 8 होगी। अगर ये 8 है और ये 16 है तो ये 8√5 होगी पूरी, होगी या नहीं? बस हो गया, तीनों भुजाएं पता चल गई। तो आर बराबर क्या करेंगे? 8 + 8, 8√5/2। तो 2 से भाग लगाएंगे, 8 माइनस कितना आ जाएगा? 4√5। 8 तीन बार है ना टोटल अभी, सही है। तो ये कितना आ रहा है सॉल्व करके? 1 सवाल पेपर में आया हुआ, मेंस में एक सवाल आया था, बहुत आसान सा लिख रहे हैं। हाँ हाँ कर लेंगे, वैसे भी और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, इतने तरीके सीख के क्या करोगे? आप बहुत मेहनत करते हो यार, ये बच्चा बहुत प्यारा है, इसने एक तस्वीर हमें बना के दी, हमारी घर में लगी रहती है तो लोग आके पूछते हैं कि ये गुजर गए क्या, मतलब अब इनको नॉलेज नहीं थी, इनको बेसिकली पता नहीं थी कि जो आदमी जिंदा हो तो उसकी उस तरीके की फ्रेम में तस्वीर नहीं बनती। हाँ इन्होंने क्या, वो बिल्कुल सेम ऐसे फ्रेम बना दी, वहीं मेरे नाना की रखी है मर गए और वहीं मेरी। अब लोग पूछते हैं ये काफ़ी कम उम्र में गुजर गए।
जबकि हम तो अब गुजर ही नहीं सकते, गुजर भी जाएंगे तो भी लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे, बाप के बच्चे पढ़ेंगे। हाँ ये पता नहीं मेरी तस्वीर किसने बना दी, अंग्रेज लग रहा हूं मैं, बूढ़े होके अंग्रेज लगूंगा। ऐसी तस्वीर मत वायरल करो यार। हाँ अरे नहीं ऐसे नहीं, वो आपने दी इतने प्यार से, वो रहेगी हमारे पास हमेशा। ये सवाल तो कर ही लोगे 10-12 करते। ये सवाल देखिए, ए बी सी डी और ए जी एफ ई, स्क्वायर है 20 और 8 का, तो ए जी एच का एरिया क्या होगा? ए जी एच, अजी सुनते हो वाला एरिया बताना, 160 बटे, बड़ा आसान सा सवाल है। देखिए इस ट्रायंगल में जैसे ये कितनी है भुजा, 20, और ये कितनी है, और ये 20, अगर ये पता लग जाए तो इस ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा, तो ये अल्फा मान लिया, तो टेन अल्फा कितना है सवाल में, 20/28 और बराबर ए एच बटे 8, तो ए एच कितना आ गया, 40/7, ये यार है। तो ए जी एच का एरिया कितना होगा, हाफ, बेस कितना है 8 इंटू 40/7, 160/7। एक भैया लिख के भेज रहे हैं पीछे से पर्ची, सर इस बैच को सुबह कर लो, बेतु की बात, इस बैच को सुबह कर लो, कब 4:30 बजे, इनका कहना ऐसे समझ लो जैसे ये कह रहे हो कि डिनर को सर ब्रेकफास्ट में कर लो, अरे आप सुबह वाले में आ जाओ, सिंपल है। पता नहीं यार कैसे कैसे आदमी है यार। आप समझ गए, एबीसीडी एक स्क्वायर है जिसकी भुजा 16 सेंटीमीटर है, कितना आ गया, नहीं है कोई बात नहीं। देखिए एबीसीडी एक स्क्वायर है, बना देते हैं स्क्वायर, एबीसीडी एक स्क्वायर है ठीक है, 16 सेंटीमीटर, वैल्यू ऑफ साइड ऑफ द लार्जेस्ट रेगुलर ऑक्टागन दैट कैन बी कट फ्रॉम द गिवन स्क्वायर, कर देते हैं कट, ठीक है, तो 16 उसकी भुजा, मैं ही मान लेता हूं। आपको पता है रेगुलर ऑक्टागन की एक भुजा कितनी होती है, रेगुलर ऑक्टागन का एंगल कितना होता है, ईच एंगल की बात करूं, ईच इंटीरियर एंगल, एन माइनस टू कितना होगा, 8 - 2 × 180/n 8 बराबर 135, सही है, हर एंगल 135 का होता है इसका, 135, अगर ये 135 का है तो ये 45 का होगा कि नहीं बोलो, अगर ये 45 का है तो ये कह सकता हूँ 1√2 और ये भी √2 और ये 1, तो यानी कि पूरी भुजा कितनी आ गई, 2+√2 स्क्वायर की, 2+√2 की जो वैल्यू है वो 16 है सवाल में। अगर यहाँ पे √2 रहने दूँ और बाकी उधर ले जाऊँ, √2 कॉमन लेके, तो √2 की वैल्यू आ जाएगी 16/√2+1, मानते हो कि नहीं, हमें तो √2 की वैल्यू निकालनी है क्योंकि हमें ऑक्टागन का क्या बताना है, साइड बतानी है, तो बस हो गया यही उत्तर है। इसी को आप ऐसे लिख सकते हो, 16 और ब्रैकेट में √2-1, गलत किया तो बताओ, सही है ना, क्या आंसर आ रहा है, आ गया, आप बताओ भी पल्सर वाले भाई साहब, आगे बढ़े, ये आसान सवाल था, ये भी मेंस में आया, कोई कठिन सवाल नहीं था, हमने क्या किया वो 135 मान लिया, आप एक कंडक्टर के लुक में क्यों आ रहे हैं ऐसे पेन लगा के यहाँ, डोंट ट्राई टू बी हियर कंडक्टर, हियर ओनली वंस ड्राइवर ओनली नो कंडक्टर, ओके, ये 135 है तो ये 45 होगा, 1√2, ठीक है।
ये कह रहा है एबीसीडी जी स्क्वायर ऑफ 2 सेंटीमीटर ए बराबर ई सी, ए बराबर ई सी, तो फाइंड द ई डी का एरिया बताना है। ए ई डी, ए ई डी ट्राइंगल का एरिया बताना। बहुत सही जा रहे हैं आप, थोड़ा और चलेंगे तो काम खत्म है। फाइंड ए ई डी, देखो भाई एक बात बताओ आप, ये थोड़ा चित्र तो सही से नहीं बना, और सही से क्यों बनाए चित्र? ये भुजा बराबर दे रखी है, ये भुजा कॉमन है, ये भी बराबर है, तीनों भुजा बराबर है, तो ये कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो गए। तो ये एंगल भी आपस में बराबर होंगे या नहीं, और ये 90 तो ये 135 के होंगे या नहीं, तो इस ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा हाफ इंटू दोनों भुजाएं 2 × 2 साइन 135 1/√2, ये इससे कट गया बराबर √2। खत्म। कोई मुश्किल था क्या दंगे वाले भाई साहब? आप मुश्किल था क्या? आप ऐसे ही सोच लेते कि यार अगर किसी ट्राइंगल का एरिया, इन्होंने अभी तक यही बात बताई है कि ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करना पड़ता है, वो मतलब, या फिर दोनों भुजाएं पता उनके बीच का कोण, तो दोनों भुजाएं तो आपको बताई थी, दो दो उनके बीच का कोण निकाल लेते, और कोण कैसे आ गया इस तरीके से? बोलो, कुछ गड़बड़ है तो बताओ। एक सवाल लिख लो, एबीसीडी एक स्क्वायर है, एबीसीडी एक स्क्वायर है, ये ई है, ये एफ, ए ई बराबर चार, ई एफ बराबर 3, एरिया ऑफ द स्क्वायर पूछ रहा और कुछ नहीं दिया हुआ। जो 3 सही थे उन पे नहीं कमेंट किया, इतना कितना आ रहा है सवाल का उत्तर? 16। यार सीरियसली आप बहुत तगड़े हैं, पता आपने इस ट्रायंगल का निकाल के और डबल कर दिया, क्या किया? ये 4 होगा और ये 3 होगा, ये क्यों? ओ यार आपको तो काफी गहरी नॉलेज है, ये सब तो हमने भी कभी नहीं पढ़ा। ये 4 है और ये 3 और ये 5, इसके बाद बताओ ना क्या करा, कैसे निकाल लिया? अरे मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ, कुछ भी इसका रेशियो भी नहीं निकलेगा, कैसे निकल गया रेशियो? भैया ये वो सवाल थोड़ी ना है, तुम इतने काबिल बन रहे हो, ये वो सवाल, ये थोड़ी ना है, ये थोड़ी है, ये तो बीच में लटक गया है। कमाल कर रहे हो यार, तुमने इसको इतना हल्का ले लिया सवाल को कि तुम कर लोगे? अरे नहीं, गलत है सब, सब गलत है। और आप बताइए भाई, ये गुप्ता जी लगातार 3 दिन से एक ही टी शर्ट पहन के, यार बताइए, आप बताइए। रजनी अभी जी आप बताइए, बहुत बहुत गहरी नॉलेज है आपको, तोड़नी है आपकी नॉलेज का, मुझे नहीं पता, मैंने तो सुना ही नहीं आपकी बात। अरे जब मुझे समझ में नहीं आई तो मैं क्या रिप्लाई दूं, बताइए आप बताइए जी, ये क्या नाम रखा इनका? नाइस परसेप्शन। हाँ नहीं पता, आज तक बताइए कि कभी हमने आपसे पूछा कि आपने कोई सवाल किया तो आपका जवाब क्या आया? ना, बताइए। सोचिए प्री क्वालिफाई करके आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, घर पे पता आपके कि आपसे सवाल नहीं होते क्लास में, पता है उनको? बड़े तगड़े घर वाले फिर भी खर्चा भेज रहे हैं, आधा कर देना चाहिए इस हालात में तो। ये दिखाएंगे सब मुखर्जी नगर पार्ट 2 में, कैसे बच्चे माँ बाप को इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। ये अल्फा है तो ये कितना होगा? 90 माइनस अल्फा। बहुत ध्यान से समझना, नहीं तो
गोड़ चटका दूंगा। गोड़ क्या है बताऊं फिर, अभी गोड़ क्या है चटका के बताऊं फिर आएगा समझ में। ये जितने भी जॉइंट है ना गोड़ कहते हैं। ये अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा। मुझे एक छोटी सी बात बता दो तुम कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है या नहीं। सिमिलर है। और इनके 90 के सामने की भुजा इसके क्या है, इसके क्या है, यानी कि इनकी भुजाओं का अनुपात भी पता चल गया कितनी है, ये भी पता चल गया, तो बाकी का भी यही होगा। बोलो होगा या नहीं। देखो मैं ना थोड़ी देर के लिए आपको ये एक्स वाई से समझा देता हूँ, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैं आपसे कह सकता हूँ कि इसमें 90 के सामने की अगर 3x होगी तो इसमें भी, इसमें 90 माइनस अल्फा के सामने की 4y होगी, y मान लेते हैं, नहीं अनुपात तो सेम रहेगा ना, x 4x। बोलो ऐसे लिख सकते हैं कि इतनी तो बात समझते हो ना कि भाई मैंने सेम 4:3 ही लिखना था, लेकिन वो मैंने 3x 4x लिख दिया क्योंकि मुझे इसके बारे में भी लिखना है अभी जो बची हुई भुजा है। और ये पता है कि अगर इसका अनुपात 3:4 का है तो हर भुजा का वही होगा, बस एंगल सेम होना चाहिए। मानते हो आप, मानते हो? तो अब अल्फा के सामने मैं ये कह सकता हूँ कि इसका 3y है तो इसका 4y होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। आप मुझे एक बात बताओ कि ऊपर वाली भुजा BC कितनी आ रही है, 3x प्लस, क्या ये 4x के बराबर नहीं होगी अगर ये स्क्वायर है तो? होगी, ABCD स्क्वायर है, होगी। मेन यही बात थी इसमें, अगर ये होगी तो हम यहां से xy में रिश्ता भी निकाल सकते हैं। x अपॉन y कितना आ गया, 4/1। ये भी हमें पता लग गया कि ये क्या होगा, 4/1 का अनुपात होगा। पता लगा कि नहीं लगा? अब अगर ये 4/1 का अनुपात होगा तो खेल ही खत्म हो गया। फिर हम ये कह सकते हैं x का मान सीधे 4 रख देते हैं भाई, और y का मान 1 रख देते हैं। कोई दिक्कत इससे बताओ? या आप ये भी देख लो, अगर आपको और दिक्कत आ रही हो तो हम यहाँ पे पाइथागोरस लगाने की बात करेंगे। सीधे सीधे पाइथागोरस लगाएंगे कैसे, 3 * 9 और ब्रैकेट में आएगा x² + y² = 9 आएगा या नहीं, कट जाए। और आपको पता है x बराबर कितना है दोस्त, 4y, तो ये कितना आ जाएगा, 16 y² + y² = 1, यानी कि y² = 1/17। ये आ गया y² = 1/17। अब आप मुझे खुद ही बता दीजिए कि y बराबर अगर ये आ रहा है तो इस पूरे स्क्वायर का एरिया पूछा था ना मैंने आपसे, स्क्वायर का एरिया वैसे होगा क्या? तो आपका जवाब होगा 16x² होगा। और आप कहेंगे कि x² को दोस्त हम कह सकते हैं 4y, यानी कि 256y², और y² आपको पता है तो 256/17 उत्तर आ जाए। मुश्किल नहीं था ये, मैंने xy मान के थोड़ा सा आपको लग रहा होगा इरिटेटिंग, लेकिन अगर मैं xy नहीं मानता तो आप समझ नहीं पाते, मुसीबत ये थी। मैं बिना xy के बता देता हूँ, कोई हर्ज नहीं है, बच्चा है मेरे लिए, सवाल आप नहीं। हाँ ये पाइथा सिंपल पाइथागोरस थी बड़ी भाई यार, L²B² = H²। In which world are you living? अरे 3x का 9 आ गया, फिर क्या रह गया वो मैं समझ गया, रह क्या गया, एक ही लाइन तो लिखी है मैंने, रेड टी शर्ट वाले भाई साहब, US पोलो बिग ब्रांड। आप बताइए कोई डाउट है, समझ गए ना इस सवाल को? अच्छा सवाल था वो, हमने इसलिए लिखा कि अगर मैं ये वाई नहीं लिखता तो मुझे इन्हें इक्वेट करना पड़ता, मुझे इसे इक्वेट करके दिखाना पड़ता कि मैं क्या लूं, और उसमें टाइम लगता है, इससे अच्छा कि मैंने एक्स वाई लेके दिखा दी यही सेम चीज। हाँ हाँ वही, हाँ आपने क्या कर दिया था, प्रोजेक्शन ले लिया था, ये तो फिजिक्स में पढ़े हैं क्या? अच्छा कहाँ, हाँ 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 साइन अल्फा हो गया, हाँ हाँ उत्तर क्या आ रहा है, 256/17 ही आ रहा है ना। हाँ तो फिर क्या दिक्कत है, आपने पहले क्यों नहीं बताया? अच्छा अच्छा ठीक है, सही किया, बहुत बढ़िया जा रहे हो, कब तक जाने का इरादा है? जब तक वो नहीं जाए, मैंने भी यही सुना, जब तक वो नहीं जाए। अच्छा हो नहीं जाए, सिलेक्शन नहीं हो जाए, बहुत बढ़िया, नाइस।
कमाल कर दिया साहब आपने। एक बहुत छोटा सा सवाल जो आप सब कर पाएंगे, इसको आप घर पे जाके देख लीजिएगा, नहीं समझ में आए तो एक बार कल फिर बता दीजिएगा, नहीं तो फोन पे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, नहीं तो अंतरदेशीय लिफाफा पे चिट्ठी लिख दीजिएगा, नीले रंग का आता है, 1 रुपए का मिलता है। आदरणीय करके ट्राइंगल बी एफ डी और ए बी सी ई, का अनुपात बताना है। एक बार में निकाल देंगे, इतना मैं जानता हूं आपको, आपके टैलेंट पे मुझे भरोसा है। वाह, तुम तो गणित में कुछ ज्यादा ही आगे निकल गए हो भाई। गलत है उत्तर सरासर। यार तुम्हें अभी और वो करना पड़ेगा भाई, तुम्हें अभी गणित को और बारीकी से देखना पड़ेगा। तुम एक सूक्ष्मदर्शी ले लो, तुमसे हो गया बिल्कुल। तुम्हें बेटा बहुत अच्छे नंबर लाने हैं, तुम मेहनत क्यों नहीं कर रही हो? पापा गर्व फील करें, देखिए हमारी बच्ची कहाँ पहुंची। कहते होंगे अभी भी इंजीनियर है हमारी बेटा, कहते हैं कि नहीं? अब छोड़ दिए, 1 साल पहले तक कहते थे। देखिए कोई बात नहीं, मैं ये कह रहा हूं 2FE का है, AF जाकू दो दो ले लें, बताओ कछु दिक्कत है का जा में? यही देख रहा था कि तुम्हारा ध्यान किधर है। बस अब ये 6 हो गई और ये भी 6, 6 24 12 एरिया हो गया, ये 2 हो गया, ये 12 हो, पूरा 36 है। तो 12 12 24 और 2 26, ये 10 बचेगो, 10 रहेगा ना है? तो 10 बटे 36 का अनुपात पूछ रहा है, तो कायदा करते 5 बटे 18। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये 2 बटे 9 वाले कौन से लोग हैं। क्या नहीं किया सब्ट्रैक्ट गलत करके? मतलब 7-8 लोग एक साथ कैसे सब्ट्रैक्ट गलत कर सकते हैं? अरे ये 2 है तो ये 4 लेनी पड़ेगी, मजबूरी है, और ये 2 है तो ये भी 4 लेनी पड़ेगी, स्क्वायर है तो ये इक्वल भी लेनी पड़ेगी। इतना दिमाग मत लगाओ, कोई फायदा नहीं है। सर आज इतना खुश क्यों है? वजह क्या है? आपकी कविता, आप ही हो वजह, वजह तुम हो। अभी तक नहीं खत्म हुआ। एक सवाल देख ले। ए स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 1, ए स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 1, साइड लेंथ 1 एंड ए सर्किल ऑफ रेडियस √3/3 शेयर द सेम सेंटर। जैसे आपने कभी गाजर वगैरह का हलवा फ्रेंड के साथ शेयर किया होगा, ऐसे ही शेयर द सेम सेंटर। स्क्वायर और सर्किल का सेंटर क्या है? सेम है, ठीक है। व्हाट इज द एरिया इनसाइड द सर्किल? व्हाट इज द एरिया इनसाइड द सर्किल? बट आउटसाइड द स्क्वायर। ऐसे समझ लीजिए, इनसाइड इनसाइड डाइंग, आउटसाइड स्माइलिंग स्क्वायर। जल्दी से उत्तर बता दें। चलो कोई नहीं, मैं बता दूंगा, टेंशन मत लो।
कितना आ रहा है आपसे? हो गया जी भाई साहब, कोई बात नहीं। तुमसे भाई? ये हमने एक स्क्वायर बना दिया। ऐसे बन रहा है सर्किल? कैसे बन रहा है सर्किल की रेडियस देख लो ना, कितनी दे रखी है सर्किल की रेडियस? आर बराबर 3/√3/3, इसका मतलब 1.73/3, 0.6 के आसपास मान लेते हैं, लगभग 0.6 रेडियस है। तो ये तो तय हो गया कि अगर इसकी भुजा एक है तो बाहर निकलेगी, क्योंकि आधी तो फिर 0.5 होगी, थोड़ी सी बाहर निकलेगी कि नहीं ये बताओ। बताओ या टच करा दिया सर्किल को? पता चल गया ना ये बात तो, कि ऐसे बनेगा? टच करा दिया था आपने? फिर ये आउटसाइड इनसाइड ये सर्किल कह रही 0 11 हो उत्तर हो गया था आपसे? चित्र गलत बन गया था, उत्तर सही आ रहा, लेकिन पीछे पोस्टल डिपार्टमेंट मना कर देते हैं इशारों में, बोलू मत कुछ, हिम्मत ही नहीं। ये कितना होगा? आधा। ये? अरे आधा होगा। आपको इसी भाषा में पढ़ाना पड़ेगा तभी आप समझ पाओगे। अब आपसे पूछ कौन सा एरिया रहा है? आपसे ये एरिया पूछ रहा है, ये वाला, ये। तो अगर एक निकाल दूं तो 4 गुना कर देंगे उसका? बोलो, एक निकाल देंगे तो 4 गुना कर देंगे। अच्छा आप बताइए कि ये एंगल पता लग जाएगा, ये वाला, ये कितना होगा? पता लग जाएगा? नहीं पता लगेगा? 10 निकाल दें, अल्फा वगैरह जो भी क्या आएगा? ए? कुछ लग पा रहा है, मैं वही कह रहा हूँ। तो कितना आ रहा है वो एंगल? कुछ अलग आ रहा है क्या? 30-60 वगैरह कुछ नहीं आ रहा है ऐसा? मैं वही तो करूँ, 30 बहुत आराम से आ रहा है। आप ये निकाल लोगे ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो ये एंगल निकाल लेते ना। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि ये 60 आ रहा है, कैसे? 1/2 है ये, और ये इसका अनुपात अगर आप निकालोगे तो ये 60 आ रहा है। देख लो करके, चाहे तो आप ये ए मान लो इस पॉइंट को, इसको भी आपने कह दिया कि इसका कितना आ रहा है जी? 60। तो ये भी कितना हो जाएगा? 60, और ये पूरा भी 60। अगर ये भी निकालोगे तो भी एंगल साइन अल्फा से निकाल लो, टेन अल्फा, इसको मान लो चाहे इसको मान लो, किसी को ही मान लो, निकाल लेना, कर लेंगे ना टेक्नोमेट्री से एंगल निकाल लेंगे। तो अब ये एंगल 60 है तो 1/6 सर्किल हो गया। अगर मैं क्वाड्रेंट की बात करूं, जो हमें रिक्वायर्ड एरिया चाहिए, दिस विल येलो एरिया, ये होगा 1/6 सर्किल का पार्ट है। पाई आर स्क्वायर कितना है? 3/9 माइनस ट्राइंगल का एरिया हटा दें, ट्राइंगल इक्विलेटरल बन रहा है, √3/4, और ए स्क्वायर कितना है? ये इसकी भुजा हो जाएगी, ठीक है। तो ये इससे कितनी बार कट गया? 3 बार। बाहर क्या ले लें? बाहर अब छोड़ो ना, ऐसे लिखेंगे खुल के, π/18 और √3/12 ये उत्तर। और इसको 4 से भी तो गुणा करना है अभी, जो हमें चित्र में पूछा है रिक्वायर्ड एरिया, उसके हिसाब से क्या होगा? 4 से गुणा करेंगे तो 4, और नीचे और भी कुछ कॉमन आ सकता है, 36 कॉमन ले लेते हैं, 36 सीधे 36 लेंगे तो अंदर कितना बचेगा? 2π-√3। तो ये आ गया 1/9 और 2π-√3। मुश्किल नहीं था, बस लग रहा था मुश्किल। एक तो बताओ आप चित्र नहीं बना पाए, ये नहीं सोच पाए आपके किस तरीके से चित्र बनेगा। नहीं नहीं सब सही है, थोड़ा बहुत बात मत करो भाई, अगर किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक तो पूछ लो, बाकी सवाल तो हाँ आप बताओ क्या दिक्कत है। 60 डिग्री नहीं समझ में आपको, बाकी सारा आ गया। नहीं मैं बता देता हूँ, बाकी सब आ गया आपको है, आज ही जानना है आपको।
अरे मैं ये कह रहा था कि ये स्क्वायर है, इसके सेंटर से इसकी दूरी आधी होगी 0.5, क्योंकि पूरी एक है, और ये 0.6 आ रही है रेडियस, तो बाहर नहीं निकलेगा अगर सेम सेंटर है तो। कर लो एक आध चीज तो, खुद भी करा करो, इतने बड़े हो रहे हो, खाने का भी कुछ मंगाएंगे बिना पूछे उठाए खाने लगोगे। चलिए स्क्वायर पे कुछ और सवाल करते हैं, ठीक है, और अच्छे अच्छे सवाल। अब आपका बेस बना थोड़ा बहुत है, अभी नहीं बना है मुझे ऐसा लग रहा है, बेस नहीं बन पा रहा आपका भाई साहब। ये है कि जो सवाल मैं बता देता हूँ उसके बाद लगने लगता है आसान है, हो जाएगा, फिर अगला सवाल आता है तो फिर आप बिखर जाते हैं, ऐसे हो रहा है ना आपके साथ। ओहो ये कह रहा है कि दिए गए चित्र में पी क्यू आर एस स्क्वायर है, क्यू आर एम और एस आर एन इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एस आर बराबर 2 यूनिट है, तो एम एन की लेंथ क्या होगी। चित्र में और बना देता हूँ और सोफिस्टिकेटेड सा। कितना आ रहा है? 2√2। आसानी है ना सवाल, कुछ ऐसे मुश्किल तो नहीं है। जैसे क्या पूछा है हमसे, एम एन पूछा है, नहीं आप बताओ कि अगर ये एंगल 60 है, मैं इसी में बता देता हूँ खून से, या दूसरा चित्र बना लेते हैं कोई नहीं। अच्छा सा प्यारा सा ये दे रखा है, एन एस आर एम क्यू पी, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एस आर बराबर 2 है, एस आर बराबर 2, फाइंड द लेंथ ऑफ एम एन पूछ रहा है, लेंथ क्या पूछ रहा है, एम एन की लेंथ पूछ रहा है। तो आप बताओ अगर ये 60 है तो ये 30 होगा, और ये 60 है तो पूरा 90 होगा, और दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल दो दो भुजा वाले ही होंगे, तो ये दो तो ये कितना आ गया, 2√2। जिनसे ये सवाल नहीं हुआ तो उन्हें तो बस्ता उठा के अपना घर चला जाना चाहिए, मेंस वालों की बात कर रहा हूँ, प्री की नहीं, बस्ता उठा के घर सीधे, क्योंकि ये दो और बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है, मुश्किल है क्या। एक चीज समझनी होगी संसार में, मुश्किल एक ही चीज है, कोलेबरेशन ऑफ हर्ट, कोलेबरेशन ऑफ सोल, दिलों का मिलन मुश्किल है, आत्माओं का संगम मुश्किल है, बाकी सब आसान है। एक लड़का पीछे कह रहा हमारा तो 3-4 बार हो चुका, कोई मुश्किल नहीं है। बेटा वो एक ही बार होता है जीवन में। क्या बोल रही है, कॉलिजन की बात कर रहा है। अच्छा अच्छा ये शेडेड रीजन ये, हाँ क्या क्या इक्वल दे रखा है इसने, देयर आर 2 स्क्वायर बिस साइड 2 यूनिट विद ए कॉमन वर्टेक्स, द एज ऑफ वन देम लाई अमोंग द डायगोनल ऑफ द अदर, व्हाट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो देखिए अच्छा, अब आपको यहाँ से समझ में नहीं आया कि अगर मुझे ये निकालना है और ये मुझे पता होता है तो अगर ये ट्राइंगल का एरिया आ जाए तो बात बन जाएगी कि नहीं, बस तो बना देंगे बात, लो बन गई।
मिस्टर नवीन फ्रॉम दरभंगा, आप बताइए ये दूरी कितनी होगी? 2√2 डायगोनल है, और मैंने अगर स्क्वायर बना दिया तो ये दूरी भी 2 होगी, तो ये दूरी कितनी आ जाएगी? 2 और √2 − 1, ये आ जाएगी या नहीं? ये आप जानते हैं कि एंगल 45 का होगा, 45 का होगा या नहीं? और ये 90 का है तो ये भी 45 का होगा, तो ये भी इक्वल आ गई, ये दोनों इक्वल आ गई या नहीं? तो इस ट्राइंगल का एरिया कितना आ गया? 1/2 × 2 ब्रैकेट में √2 − 1 × 2 × √2 − 1। इस वाले 2 से काटो, थोड़ा दूर है, कट जाएगा तो पास नहीं लाना पड़ेगा। 2 इसका स्क्वायर हो गया 3 − 2√2, तो ये तो इसका एरिया आ गया ट्राइंगल का। अब हमें पता है कि जो शेडेड रीजन हमसे पूछा था, शेडेड वो होगा हाफ तो स्क्वायर माइनस ट्राइंगल, तो हाफ स्क्वायर कितना होगा? पूरे का कितना है? 4, तो 2 − 6 + 4√2, तो ये आ गया भाई 4 और ब्रैकेट में √2 − 1। मुश्किल नहीं था, क्या पूछ रहा था इसमें? ये रेक्टेंगल में आपको पूछना था, बता देंगे अभी। और कई सवाल पहले के भी पेंडिंग है, और वो बीच वाला भी बताना है। अभी क्यू में है, क्यू समझते हैं, जैसे QU UE, ये हमें पता चला मेट्रो में, कहते हैं ना कि क्यू में रहें, और टोकन की लाइन के ऊपर लिखा रहता, ऐसे वर्ड याद करना सीखे। ऐसे टर्मिनेट भी हमें वहीं से पता चला, एक बार विश्वविद्यालय तक आए, लिखा दिस मेट्रो टर्मिनेट हेयर, वहाँ से हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल पकड़ा। ऐसे वर्ड आप ढूंढते रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। चले 51 नंबर। हाँ, एक बार अभी क्या कहते, इससे पहले वो भी एक्सप्लेन थे, बोलो दोबारा एक्सप्लेन कर दो। हाँ, अरे मैं ये बोल रहा था कि ये डायगोनल 2√2 होगा, होगा ही नहीं, और ये भी स्क्वायर है, मैंने पूरा बनाया नहीं शायद, आप इसलिए नहीं समझ पाए होगे। तो ये भुजा भी 2 होगी, दोनों सेम स्क्वायर है, तो 2√2 में से 2 घटा दिया तो बचा कितना? 2√2 − 1। अब ये एंगल 45 है, तो हमने कहा कि ये 90 अगर है स्क्वायर है, तो ये भी 45 होगा, इक्वल हो गए दोनों। तो इस ट्राइंगल का एरिया भी बड़े आसानी से आ गया, 1/2 × बेस × हाइट। समझ रहे आप? जैसे बड़े हो जाओगे अपने आप समझ में आ जाएगा, अभी आप बच्चे हो। ये वाला सवाल आसान है, तो रटा हुआ है, बहुत बढ़िया। यही चीज तो अच्छी लगती है कि आप ऐसे रट लेते हैं हर चीज को, भूलते ही नहीं है, परेशान करती रहती है वही चीज, भूलने की आदत डालिए। देखिए जितनी अच्छी याददाश्त, हर चीज के प्रोस एंड कॉन्स हैं, उतने जीवन में दुख है। क्या हुआ था, ये किस बात पे आया था? अच्छा ईडियम, ओहो ईडियम तो हमें एप्पल ऑफ द आई भी याद है, क्या होता है ये? हम भी थे कभी, चलो थे नहीं लगाते, अभी भी हैं, ऐसी बात नहीं है। कितना आ रहा है? 45। देखो बड़ा आसान था ये सवाल, अच्छा भी था। जैसे थोड़े तंग स्क्वायर है, मैनेज कर लीजिएगा, कहाँ से ले जाना है? यहाँ से बताइए, जोश में चला गया आगे क्या करें? अरे अंडू बेकार ही बनाए बिल्कुल, स्क्वायर लग ही नहीं रहे किसी एंगल से। 1 2 3, जब आप उसका SSB का इंटरव्यू देने आते हैं तो वो आपसे नापने के लिए कहते हैं काफ़ी सारी चीज़ें बिना पैमाने के, फिर वो बाद में बताते हैं कि आपको अपनी हाइट के अकॉर्डिंग मेजर करना था, वो बोल देंगे लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं 6 फिट वाली उठा लो, कौन सी होगी 6 फिट? तो ये आपको आना चाहिए अगर आप CDS की तैयारी कर रहे हैं तो।
कौन सा एंगल पूछा है? सीपीई यानी ये एंगल पूछा है। अगर मैं कहूँ कि ये एंगल अल्फा है और ये बीटा है तो ये कितना होगा? अल्फा 120। कैसे? अल्फा प्लस बीटा एक्सटीरियर एंगल है। तो टेन अल्फा कितना होगा यहाँ से? 1/3। अगर इसको एक मान लें सारे इक्वल हैं ये। टेन बीटा 1/2। तो फिर हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा 45 हो जाता है अगर ये 1/3। ये तो हमने ट्रिग्नोमेट्री में भी आपको रटवाया था। अगर आपने नहीं रटा तो भी कोई बात नहीं, आप टेन अल्फा प्लस बीटा निकाल ही लीजिए इस फॉर्मूले से। टेन अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, 1 - tan α tan β। ठीक है, तो इससे भी ये कितना आ जाएगा? टेन अल्फा प्लस बीटा 1 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मिटा दें इसको, आसान सवाल था। देखें कितना आ गया, ये नहीं हो पा रहा किससे भी। √3। मैं बता देता हूँ, हो सकता है सवाल में कुछ मिस्टेक हो इसलिए आपसे नहीं हो। पी क्यू आर एस इज स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 2। पी क्यू आर एस इज स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 2। टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स पी क्यू यू एंड पी क्यू एफ आर ड्रॉन्स। E इज ऑन द इंटीरियर, पी क्यू ई यहां बनेगा और पी क्यू एफ बाहर बना। अब इन्होंने क्या पूछा? बता एरिया ऑफ द ट्राइंगल आर एफ ई। आर एफ ई कहा है? निकाल दिया आपने? नहीं, ऑप्शन में है नहीं। ठीक है, मुझे लगा कि कुछ अलग है। आर एफ ई का एरिया बताना। इस ट्रायंगल का एरिया निकालना। हाँ वही देख रहे आर एफ ई ट्राइंगल का एरिया निकालना है। आर एफ ई तो क्या करें बताओ? कौन से ट्राइंगल की हाइट सेम है? मैंने पहले भी बताया ये सवाल। आर एफ ई एफ ई क्यू एक सेकंड देख लो हाइट कौन कौन सी किस्म। अच्छा ये लाइन जो होगी, इस लाइन की जो दूरी होगी वो हर तरफ से बराबर होगी। कहने का मतलब ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर होगी या नहीं? यही तो कह रहे हो आप कि आर क्यू एफ का एरिया, आर क्यू एफ का एरिया बराबर होगा किसके? आर एफ ई। मजा नहीं आया ऐसे। हाँ वो वैसे ही निकाल दें तो ज़्यादा से। हाँ तो बेस और वो सबसे अच्छा तरीका वही है। नहीं ये भी आसान है, इसमें सोचना ज़्यादा पड़ रहा है। लेकिन ये वाली चीज़ तो अभी, ये तो हम निकाल ही सकते हैं कितनी आ जाएगी।
कैसे कैसे, ये एंगल 60 और ये कितना है 2, तो अगर ये 2 है तो ये रूट 3 और ये भी रूट 3, क्योंकि ये 90 डिग्री होगा, दोनों सेम ही तो हैं, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, रोम्बस बनेगा तो इसके डायगोनल 90 पे काटेंगे। तो हमें जो इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है आर एफ ई का, उसका बेस कितना आ गया, बेस कितना आ गया 2√3, और हाइट ये उसकी बिल्कुल मिडिल से, जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है वो बिल्कुल मिड पॉइंट पे होगा, तो ये कितनी आ जाएगी ये दूरी, ये आप देखो ना ये 1 आ जाएगी, अगर मैं इसकी बात करूँ ये √3, ये 2, ये 1, तो इधर वाली भी 1 होगी और ये इसकी हाइट होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वर्टेक्स के और इसके बीच के, तो हाइट कितनी आ गई 1, तो एरिया कितना आ जाएगा, ये सबसे सही तरीका रहेगा हाफ, कि हमें ट्राइंगल का एरिया निकालना था तो हमने क्या किया, बेस और हाइट फाइंड कर ली, ठीक है। चलो कोई नहीं, अब इतना ही पढ़ेंगे बस, बाकी बात कल करेंगे।